प्रदेश के वीआईपी लोगों की सुरक्षा के मानकों में होगा बदलाव। पुलिस विभाग ने जारी किए बुलेट प्रूफ कार और जैमर खरीदने के आदेश। पद के मुताबिक दी जाएगी सुरक्षा। नैनीताल पहुंचे हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रधर ने पीएम मोदी पर खड़े किए सवाल। कहा 2014 की एनडीए सरकार अभी तक नहीं ला पाई गौ रक्षा पर कोई कानून। मोदी सरकार कर रही हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़। लालकुआ के दौलिया गांव में गेहूं के खेत में लगी आग। आग से कई बीघा फसल जलकर हुई राख। सूचना के बाद भी समय पर नहीं पहुंचे दमकल कर्मी। हल्द्वानी में वन कर्मियों की हड़ताल जारी। कर्मियों के हड़ताल से जंगलों में बड़ा खतरा। कर्मचारी कर रहे हैं सीधी भर्ती का विरोध और प्रमोशन की मांग। नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट से आज राजकुमार ठुकराल मिले हैं। घर पर उन्होंने ये मुलाकात की है। विधायक राजकुमार ठुकराल को अजय भट्ट की ओर से क्लीन चिट मिल गई है। विधायक राजकुमार ठुकराल को अजय भट्ट ने क्लीन चिट दे दी है। प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने इस बाबत एक बयान भी जारी किया है। विधायक ठुकराल को बदनाम करने के लिए ये साजिश रची गई थी। विधायक ठुकराल का जवाब भी मिला है। प्रथम दृष्टया विधायक ठुकराल की कोई भी गलती नहीं दिखाई दे रही है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश अध्यक्ष से मिले हैं विधायक राजकुमार ठुकराल। घर पर ये मुलाकात की गई। राजकुमार ठुकराल को अजय भट्ट ने क्लीन चिट दे दी है। उन्हें कहा है अजय भट्ट ने कि ठुकराल को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। उनकी किसी भी तरह की कोई गलती प्रथम दृष्टया नजर नहीं आ रही। ये पूरी साजिश विधायक को बदनाम करने के लिए की गई थी। आपको बता दें कि विधायक राजकुमार ठुकराल पर महिलाओं के साथ मारपीट का आरोप लगा था। ये मामला महिला दिवस के दूसरे दिन का ही था, जब राजकुमार ठुकराल पर कुछ महिलाओं के साथ मारपीट का आरोप था। उसी मामले में अब प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया इस मामले में विधायक की कोई भी गलती नहीं है, उन्हें बदनाम करने के लिए साजिश रची गई है। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता नासिर हुसैन। नासिर, बताया जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने क्लीन चिट दे दी है विधायक राजकुमार ठुकराल को। आखिर क्या कुछ कहना है प्रदेश अध्यक्ष का? देखिए, कुछ दिन पहले जो राजकुमार ठुकराल हैं बीजेपी विधायक, उन पर कुछ महिलाओं से मारपीट करने का मामला सामने आया था और उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो के वायरल होने के बाद तमाम जगहों पर बीजेपी भरपूर किरकिरी हुई थी कि किस तरीके से उनके विधायक महिलाओं के साथ मारपीट कर रहे हैं, किस तरीके से दबंगई दिखा रहे हैं। इस मामले के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने राजकुमार ठुकराल को एक नोटिस भेजा था, जिसमें उनसे जवाब मांगा गया था कि वो जल्द से जल्द अपना जवाब दे कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया। आज जो राजकुमार ठुकराल हैं वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के घर पहुंचे थे करीब सुबह 11:30 बजे के करीब, और उन्होंने अपना जवाब दिया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को। और उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ सिर्फ साजिश रची गई थी, ऐसा कुछ वीडियो वायरल नहीं हुआ था। वो सिर्फ लोगों, जो महिलाएं वहां पर झगड़ा कर रही थी, उनको समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे थे और वहीं पर उनका वो वीडियो वायरल किया गया। कहीं भी उन्होंने मारपीट नहीं की है और उन्होंने जवाब भी दिया। हालांकि इस मुलाकात के बाद जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत की तो उनका भी यही कहना था कि सिर्फ विधायक को बदनाम करने की साजिश कही रची जा रही थी और उन्हें ऐसा किसी भी तथ्य में नहीं लगा है और कोई गलती नहीं थी राजकुमार ठुकराल की, और इसलिए उनको जो नोटिस है उसका जवाब उन्होंने दिया है। उसके बाद आगे की कार्रवाई वो जरूर करेंगे, लेकिन कहीं लग नहीं रहा है कहीं पर भी विधायक की गलती, तो इससे साफ जाहिर नजर आ रहा है। हालांकि जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा था विधायक महिलाओं से मारपीट कर रहे हैं, लेकिन उस वीडियो की हकीकत क्या है ये तो वहीं के लोग बता सकते हैं जो उस वक्त मौजूद थे। लेकिन जिस तरीके का वीडियो वायरल हुआ उससे कहीं ना कहीं बीजेपी की किरकिरी जरूर हुई थी। धन्यवाद नासिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कि महिलाओं से मारपीट करने वाला वीडियो एक विधायक राजकुमार ठुकराल का वायरल हुआ था, जिसे लेकर अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें क्लीन चिट दी है। अजय भट्ट का कहना है कि ये वीडियो केवल विधायक को बदनाम करने की साजिश है, इसके अलावा कुछ नहीं है। प्रथम दृष्टया इस वीडियो में सब गलत दिखाया जा रहा है, इस तरह की कोई भी वारदात वहाँ पर नहीं हुई है।
और वहीं प्रदेश में सुरक्षा के मानकों में बदलाव किया जा रहा है। वीआईपी व्यक्तियों के सुरक्षा घेरे को और मजबूत किया जाएगा। इसके लिए बुलेट प्रूफ कार और जैमर खरीदने का आदेश जारी कर दिया गया है। गृह विभाग और उत्तराखंड पुलिस विभाग ने पद के अनुसार सुरक्षा देने का आदेश जारी किया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने कहा कि पहले हमें वीआईपी की सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ कार को यूपी, पंजाब और हरियाणा से लेना पड़ता था, लेकिन अब पुलिस विभाग ने बुलेट प्रूफ कार और जैमर खरीदने का फैसला लिया है। आवश्यकता पड़ने पर इसका इस्तेमाल सीएम के काफिले में भी किया जाएगा। वो उत्तराखंड पुलिस के पास उनकी कमी थी, इस वर्ष बजट आया है तो उसमें वो सब खरीद ले जाएंगे, तो हमें दूसरे स्टेट से नहीं मांगने पड़ेंगे। ये वीवीआईपी के लिए होता है मुख्यतः, क्योंकि हमारे कभी वो मसूरी जाना होता है, नैनीताल, हमारे एम्बेसडर तो चढ़ ही नहीं पाते, अगर उसको बुलेट प्रूफ करा लेते हैं तो वो नहीं चढ़ पाते, तो इसलिए हम फॉर्चुनर गाड़ी इसमें खरीदी जा रही है, इसके बुलेट प्रूफिंग कराई जा रही है, तो वो आगे इससे सुविधा हो जाएगी। में सुरक्षा मानकों में बदलाव देखने को मिल सकता है। वीआईपी लोगों का सुरक्षा घेरा अब और मजबूत होगा। पुलिस विभाग ने बुलेट प्रूफ कार और जैमर खरीदने के आदेश दिए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता नासिर हुसैन। नासिर, बताया जा रहा है कि प्रदेश में सुरक्षा मानकों पर अब और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं, आखिर अब क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? देखिए, उत्तराखंड में अगर सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो जो वीवीआईपी है उनकी सुरक्षा बहुत ज्यादा नहीं नजर आती है। शायद यही वजह है कि क्योंकि हाल ही में इस तरह कुछ बातें इस तरह की सामने आई हैं, जिसको देखते हुए अब सुरक्षा के लिहाज से जो सुरक्षा मानक है उसको बढ़ाने की तैयारी पुलिस महकमा कर रहा है, गृह विभाग कर रहा है। जो गृह सचिव है, प्रमुख सचिव आनंद वर्धन, उन्होंने बताया था कि जल्द ही जो सुरक्षा मानक है उनको बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री की जो फ्लीट है उसमें बुलेट प्रूफ कार नहीं है, उसकी खरीदारी की तैयारियां चल रही है। इसके अलावा बुलेट प्रूफ जैकेट्स हमारे पास नहीं है, उनको खरीदने की तैयारी कर रही है, और साथ साथ जैमर भी नहीं लगता है किसी भी फ्लीट में, चाहे वो मुख्यमंत्री की फ्लीट हो या कोई भी वीआईपी अगर केंद्र सरकार से आता है तो उस तरह की सुरक्षा नजर नहीं आती है। इन तमाम चीजों को और ज्यादा अपडेट करने के लिए, बढ़ोतरी करने के लिए सुरक्षा में तमाम तैयारियां की जा रही है। पुलिस विभाग की तरफ से प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, शासन से प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है और जल्द ही शायद अनुमति भी मिल जाएगी, उसके बाद इन तमाम चीजों की खरीदारी की जा सकेगी, क्योंकि सुरक्षा मानकों के लिहाज से चीजें बहुत जरूरी है और इसीलिए अब इस तरह की तैयारियां गृह विभाग करने जा रहा है। नासिर, अभी तक प्रदेश में इस तरह की चीजें उपलब्ध नहीं थी, बाहर से इन्हें मंगवाया जाता था, तो ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ से बुलेट प्रूफ कार और जैमर को मंगवाया जाता था, और फिलहाल कितना बजट इन सब चीजों के लिए अभी पारित किया गया है? देखिए, इस लिहाज, क्योंकि जब भी प्राइम मिनिस्टर या किसी केंद्रीय मंत्री का कार्यक्रम होता था तो सुरक्षा के लिहाज से तमाम चीजों की व्यवस्था दूसरे राज्यों से की जाती थी, दूसरे राज्यों से ही इस तरह की गाड़ी या बुलेट प्रूफ चीजें या फिर जैमर की व्यवस्था की जाती थी, ताकि किस तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई लापरवाही देखने को ना मिले और कोई हादसा अनहोनी ना हो जाए। अब सरकार खुद के लिए अपने तमाम चीजों की व्यवस्था करने चाह रही है, चाहे वो बुलेट प्रूफ गाड़ियां हों, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हों, जैमर्स हों या फिर और भी सुरक्षा के लिहाज से तमाम चीजें हैं, उन तमाम चीजों को अब मुहैया कराने के लिए सरकार का जो शासन है, प्रशासन है, वो तैयारियां कर रहा है, गृह विभाग की तरफ से तैयारियां की जा रही है और जल्दी ये सामान उत्तराखंड में आ जाएगा, ताकि चाहे वो मुख्यमंत्री की फ्लीट हो, मुख्यमंत्री की सुरक्षा की बात हो, तमाम चीजों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, ताकि तमाम जो सुरक्षा के मानक है उनको और ज्यादा मजबूत किया जा सके। धन्यवाद नासिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कि प्रदेश में सुरक्षा मानकों में अब बदलाव देखने को मिलेगा, वीआईपी सुरक्षा अब और भी बढ़ाई जाएगी। लाल कुआ के हल्दूचौड़ के ग्राम सभा दौलिया में खेत में काट कर रखे गेहूं के ढेर में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसके चलते किसान की कई बीघा गेहूं की फसल आग की भेंट चढ़ गई। स्थानीय लोगों द्वारा अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी गई, परंतु अग्निशमन की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची, जबकि स्थानीय लोगों की मदद से आग को बुझाया गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं पीड़ित किसान गिरीश बिरखानी ने उचित मुआवजे की मांग की है। इधर घटना के बाद कोई जनप्रतिनिधि भी मौके पर नहीं पहुंचा।
बीघा हमारी जमीन है गेहूं में, जो जाते हैं हमने फायर ब्रिगेड को फोन करा, फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची, तो हम लोगों ने आपस में ही आग बुझाने का प्रयास किया, उससे आग बुझ चुकी है। और 2 बीघा फसल गेहूँ की जो हमारी नष्ट हो चुकी है, और गन्ना सेंटरों में गन्ना नहीं खुल रहा है, इससे मैं सरकार से अनुरोध है कि उचित से उचित मुआवजा दिया जाए। और आपको बता दें कि लाल कुआ में खेत में काट कर रखे गए गेहूं के ढेर में अज्ञात कारणों से आग लग गई, और इस वजह से खेत में रखा गेहूं पूरी तरीके से जल कर राख हो गया। वहीं अब पीड़ित किसान ने उचित मुआवजे की मांग की है। गौरतलब है कि सूचना देने के बाद भी अग्निशमन की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची, वहीं घटना के बाद भी कोई भी प्रतिनिधि मौके पर नहीं पहुंचा और ना ही किसी तरह की जानकारी जुटाई गई। स्थानीय लोगों की मदद से ही आग पर काबू पाया गया। कई बीघा गेहूं की फसल आग की भेंट चढ़ गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता शैलेंद्र। शैलेंद्र, बताया जा रहा है कि एक किसान की खेत में रखी गेहूं के ढेर में आग लग गई, क्या अभी तक भी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है? जी बिल्कुल, साफ तौर से पहले भी बताना चाहूंगा, लालकुआ जो इतना विस्तृत क्षेत्र है, बावजूद इसके यहाँ पे एक फायर ब्रिगेड अग्निशमन का कोई विभाग का यहाँ कोई कार्यालय मौजूद नहीं है, ना ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पे मौजूद होती हैं। आज ये जो मामला हल्दीचौड़, लालकुआ से हल्दीचौड़ का है, यहाँ पर जो आग लगी है गन्ने की, सॉरी माफी चाहूंगा, ये गेहूं की फसल काट के रखी गई थी, गेहूं की फसल जो काट के रखी गई थी, अचानक इनमें अज्ञात कारणों से आग लग गई। स्थानीय लोगों ने, यहाँ तक कि पीड़ित किसान ने भी कई बार अग्निशमन विभाग को सूचना दी, इसके बावजूद इसके मौके पर कोई नहीं पहुंचा और आग ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन साफ तौर से यहाँ पे अग्निशमन विभाग की लापरवाही भी साफ तौर से देखने को मिलती है। स्थानीय लोगों की मदद से बमुश्किल आग पर काबू पाया गया, मगर कई बीघा गन्ने की, माफी चाहूंगा, गेहूं की फसल जो थी वो जलकर राख हो गई। जी जी शैलेंद्र, और कोई भी ना जनप्रतिनिधि फिलहाल मौके पर नहीं पहुंचा है, ना ही अग्निशमन की गाड़ियां सूचना देने के बाद मौके पर पहुंची, तो क्या ऐसे में ग्रामीणों में किसी तरह का रोष देखने को मिल रहा है, और किसान का क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले पर? जी बिल्कुल, साफ तौर से बताना चाहूंगा, जिस तरह से फायर सीजन नजदीक आता जा रहा है, कहीं ना कहीं ये एक बड़ी समस्या का सबब बन जाएगा भविष्य में। मई जून में जिस तरीके से गर्मी पड़ती है क्षेत्र में यहाँ पर, और तमाम जो फसलें खेतों में लगी रहती हैं, यहाँ तक कि जंगलों में भी आग लगातार बढ़ती दिखाई देती है, ऐसे में यदि यहाँ पे फायर ब्रिगेड उचित व्यवस्था नहीं करता है तो जाहिर सी बात है भविष्य में समस्या और ज्यादा विकराल रूप ले लेगी। वहीं पीड़ित किसान जो है उसने उचित मुआवजे की मांग की है, बावजूद इसके कोई जनप्रतिनिधि मौके पर नहीं पहुंचा, तो कहीं ना कहीं सरकार के उदासीन रवैये का शिकार भी क्षेत्र की जनता साफ तौर से देखने को मिल रही है। जी धन्यवाद शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तराखंड के नैनीताल पहुंचे हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रधर महाराज ने कहा कि सन 2014 में सभी हिंदुओं ने मिलकर भाजपा सरकार बनाई थी, लेकिन प्रधानमंत्री ना तो राम मंदिर पर कोई अध्यादेश लाए और ना ही उन्होंने गौ रक्षा पर कोई ठोस कानून बनाया। अगर हिंदुओं की भावना के साथ ऐसे ही खिलवाड़ हुआ तो सन 2019 के लोकसभा चुनाव में हिंदू समाज भाजपा का कोई ठोस विकल्प भी देख सकता है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने पीएम मोदी पर सवाल उठाया कि वो दुनिया भर के मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन वो 2014 से अभी तक एक बार भी राम मंदिर दर्शन के लिए आखिर क्यों नहीं आए हैं? इससे करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। देखिए, एक बात तो थी कि पिछली सरकारें जो थी, जो धर्मनिरपेक्षता की राग लापती थी, उन्होंने हिंदुओं का शोषण तो बहुत किया, और जिस प्रकार से दूसरी सरकारें भगवा आतंकवाद, भगवा माने भगवा को लेकर जिस प्रकार से उन्होंने एक दमन किया, तो वो तो खैर कम से कम उस पर तो वो है, क्योंकि पूरे हिंदू समाज ने इनको दिया, लेकिन वो प्रैक्टिकल रूप से विकास नहीं हुआ, लेकिन कम से कम उस पर विराम लगा। और दूसरी बात, विपक्ष को पता चल गया कि देखो ताकत हिंदुत्व में है, और अभी भी मैं बताना चाहता हूँ, ताकत हिंदुत्व जो ताकत है वो मोदी और योगी जी में नहीं है, ताकत हिंदुत्व में है। एक प्रचंड हिंदुत्व का लहर आया और उन्होंने दे दिया। अगर सनातन और हिंदुत्व का काम जो भी करेगा वही विश्व विजयी होगा, वही भारत पर विजय प्राप्त करेगा, वही उसी की सरकार बनेगी, मैं बता रहा हूँ। इसको कान खोल के विपक्ष की भी पार्टियाँ सुन ले और पक्ष की भी पार्टियाँ सुन ले, जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो काम करेगा, वही आगे बढ़ेगा, वही सत्ता में रहेगा, उसी को रहने का अधिकार है, बाकी नहीं।
उत्तराखंड के नैनीताल में जैसे जैसे गर्मियों का सीजन नजदीक आ रहा है, वैसे ही यहां पर्यटकों के साथ चोर भी अपनी दस्तक देने लगे हैं। मॉल रोड के गिफ्ट शॉप सनी वैरायटी सेंटर में स्मार्ट कपड़े पहने हुए एक युवक सामान चोरी करते हुए साफ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में ये युवक चोर नीले रंग की टी शर्ट पहने गिफ्ट की दुकान के अंदर घुसता दिख रहा है। कस्टमर आए थे, हस्बैंड वाइफ, उनकी कंप्लेंट थी कि हमारे यहाँ एक बैग रह गया है। उस बैग में जो था उनका मोबाइल और एक पर्स था जो उन्होंने यहीं से मार्केट से परचेज किया था, उसके अंदर कुछ और नहीं था सामान, वीवो का उनका मोबाइल था। तो उन्होंने उनकी कंप्लेंट जब करी तो हमने अपना सीसीटीवी कैमरा चेक करा, तो उस टाइमिंग में हमने देखा कि उनका जो सामान था उन्होंने शॉप में नीचे फ्लोर पर रखा था। उसके बाद उन्होंने उसको उठाना बच्चे के हाथ में दिया था, बच्चे ने नीचे ज़मीन में रख दिया। एक स्मार्ट सा कोई लड़का आया ब्लू कलर की टी शर्ट में, उसने पूरा जज करा, इधर उधर देखा, उसके बाद उसने उस बैग को उठा करके बड़ी सफाई से अच्छे ढंग से निकल करके शॉप के बाहर चला गया। उसके बाद इन्होंने पुलिस में इसकी कंप्लेंट करी है और उसकी इनके पास रिसिप्ट भी है पुलिस की। उधम सिंह नगर की बाजपुर तहसील के रामराज रोड पर सरकारी अस्पताल के समीप पेट्रोल टैंकर में वेल्डिंग करते समय धमाका हो गया। हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानन में स्थानीय लोगों की मदद से सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन हालत गंभीर होने के चलते घायलों को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक एक डीजल और पेट्रोल के टैंकर में खाली करने के बाद वेल्डिंग करते समय टैंकर में आग लगने से एक कर्मी और टैंकर ड्राइवर बुरी तरह से झुलस गए। जानकारी के मुताबिक पेट्रोल टैंकर के चालक ने निकटवर्ती इंदर फिलिंग स्टेशन पर 5000 लीटर पेट्रोल और 15000 लीटर डीजल को अनलोड किया था। पेट्रोल वाले चैम्बर के वॉल्व के समीप मामूली लीकेज देख उसे ठीक कराने के लिए वेल्डर को बुलाया गया था कि तभी वेल्डिंग के स्पार्क से तेज विस्फोट हुआ, डीजल चालक और वेल्डर के ऊपर गिर गया, जिसमें दोनों शख्स झुलस गए। आपको 4:30 बजे रामराज रोड पर चीमा पेपर मिल के सामने एक टैंकर में वेल्डिंग करते वक्त आग लग गई, जिसमें दो व्यक्ति झुलस गए हैं। उसमें से एक टैंकर का ड्राइवर है असगर अली और एक वेल्डिंग करने वाले व्यक्ति हैं। दोनों को अस्पताल भेजा गया, जहां से उनको सुशीला तिवारी हल्द्वानी में रेफर कर दिया गया। रामराज रोड पर ही हुड्डा पेट्रोल पंप से दो मरीजों को यहाँ लाया गया था, जिसमें से एक का नाम असगर है, दूसरे का नाम लालचंद है। लालचंद वेल्डिंग मैकेनिक था और असगर जो है वो टैंकर चालक है। हुड्डा पेट्रोल पंप पे टैंकर खाली करने के बाद थोड़ा सा लीकेज होने के बाद उसमें थोड़ा सा वेल्डिंग का काम हो रहा था, अचानक वहाँ से रिसाव होने के कारण आग पकड़ ली टैंकर ने, जिसकी वजह से दोनों बुरी तरीके से झुलस गए। उसको लेकर के यहाँ पर सरकारी अस्पताल पहुँचे हैं, घायलों का प्राथमिक उपचार किया था यहाँ और 100% जलने के कारण उनको बर्न वार्ड में रखना आवश्यक हो जाता है, इसलिए सुशीला तिवारी हल्द्वानी को उसको तत्काल प्रभाव से हम लोगों ने। उत्तराखंड के रुड़की लोक निर्माण विभाग के अधिकारी एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हैं। मंगलोर के नारसन और बढ़ेड़ी को जोड़ने वाले मार्ग का बारीकी से निरीक्षण करने पहुंचे जिले के कई विभागों के अधिकारियों से लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आलम यह है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय में लगभग 40 करोड़ की लागत से बन रहा मार्ग एक बार फिर जर्जर हालत में पहुंच चुका है। घटिया सामग्री के चलते सड़क कई जगह से दरक चुकी है और नदी नालों के पुल टूट चुके हैं। बीती 10 जुलाई 2017 को एक शिकायतकर्ता द्वारा हरिद्वार के जिलाधिकारी ने पूरे मामले की जांच आरईएस को सौंप दी थी, जिसकी जांच करने के लिए आरईएस और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। था कि पूरी रोड करीब 34 किलोमीटर रोड बनी है, तो भारी अनियमितता है, धांधली भी हुई है और मानकों के विपरीत काम हुआ है। और खास तौर से आपका जौरासी से लेकर और रणसरा तक मेन फोकस उसमें जो एप्लीकेशन है, शिकायत है उसमें है कि इसमें ज़्यादा दिक्कतें हैं, ज़्यादा गड़बड़ काम उसी बीच में हुआ है, इसी बीच में। उत्तराखंड सरकार के वन आरक्षी के 33% पदों पर सीधी भर्ती के विरोध और प्रमोशन की मांग को लेकर जहां राज्य में वन कर्मियों का 23 मार्च से धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो वहीं दो दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए वन कर्मियों के आंदोलन से राज्य के जंगल भी खतरे में आ गए हैं। बता दें कि इन दिनों तापमान के बढ़ने से जहां गर्मी के चलते जंगलों में सूखा पड़ने लग गया है, तो वहीं जंगलों में आग लगने का सिलसिला भी जारी है, जिसके चलते अभी तक राज्य को लाखों रुपए की वन संपदा की चपत लग चुकी है। इंग्रेज़ पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो।
पांच वन प्रभाग के आप नाम लिए, ये वेस्टर्न सर्किल का पांच वन प्रभाग जो यहाँ पे इकट्ठा हुआ है मुख्यालय पे, लेकिन पूरा उत्तराखंड के बनारसी आज कल से हड़ताल में चले गए हुए हैं। इसका पूरा जो किया है वो उत्तराखंड सरकार के कई द्वारा ये पूरा नियमित कार्यक्रम है, उन्हीं ने ये पूरा ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर वो कैबिनेट में हमारे विरुद्ध ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं करते 30% 15 के भर्तों में सीधी भर्ती की, ये नौबत ही नहीं आती। हम वनारक्षी कभी नहीं चाहते हैं कि जंगलों से निकल के जंगलों की सुरक्षा जो हम करते हैं उसके लिए हम पूर्ण समर्पित रहते हैं। आग लग रही जंगलों में वो हमें भी बहुत गलत लग रहा है, इसमें चाहिए कि उत्तराखंड सरकार तुरंत पहल करे और इस कार्य हड़ताल को समाप्त करने के लिए कोई कड़ा कदम उठाए। हमारा बहुत है, हमें अच्छा भी नहीं लग रहा है कि हम ये जंगल हमारे सामने, हम जंगल को लेके हम हैं और जंगल है तो हम लोग भी हैं, हमारे अधिकारी वगैरह सब हम इसी जंगल से जुड़े हुए हैं और बहुत बुरा भी लग रहा है। मेरे पे तो फील्ड है इस समय और बीट अधिकारी हूँ मैं काराकोर सेकंड डिस्ट्रिक्ट है नेपाल नंदौर रेंज में, लेकिन आज मुझे भी वहाँ की स्थिति के जंगल में इतना क्रोस इतनी आगे फैली हुई है, हमारे वाचक काम कर रहे हैं बेचारे, काश हम होते उनके साथ तो हम भी लड़ते, जल्दी से ये पीसीएस साहब हमारा दो सूची जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा कर देते तो हमको यहाँ पे बैठना अच्छा नहीं लग रहा। हम भी चाह रहे हैं कि हम भी अपनी जगह में जाएं, सारे कोई भी पसंद नहीं करेगा यहाँ पे बैठना, ये मजबूरी है हमारी, इतने सालों से जो ये मांग है ये जल्दी से हमारी मांग पूरी कर दे तो हम अपने अपने फील्ड में चले जाते और हम अपना जैसे हमारा वन है इतना जब हरा भरा वन रहेगा तो तब हम भी रहेंगे, हमारी पोस्ट भी रहेंगी। इसीलिए मैं तो यही चाहती हूँ कि दिल से मेरी यही दुआ है कि पीसीएस साहब कृपया करके मेरी हमारी ये दो मांगें पूरी कर दीजिए, हम अपना अपना फील्ड अच्छी तरह से संभालेंगे। और अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, देश प्रदेश की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर, इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।